गूगल फॉर्म का यूज क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया और उसकी लिंक ऑलरेडी आई बटन में मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दी है आपको देखने के लिए। लेकिन गूगल फॉर्म के अलावा हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के बारे में, जिसमें हम ले सकते हैं अपने कस्टमर का सर्वे, कस्टमर से ले सकते हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, या फिर अगर आप एक टीचर हो तो आप ले सकते हैं क्लासेस में एग्जाम्स। जैसे मैंने मेरे क्लासेस में जीके की एग्जाम ली थी रिसेंटली, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म से ली थी, काफ़ी बढ़िया रही। वैसे आप एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का सारा रिपोर्ट आप एक्सेल में भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आज का वीडियो पूरा देखना है, सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज का ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का लेक्चर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए नए अपडेट्स पाने के लिए। गूगल फॉर्म्स की तरह हम बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए करना क्या है, गूगल पे आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म सर्च करना है। ये लिंक आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से वेब पेज ओपन होगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, इजीली क्रिएट सर्वेज, क्विजेस एंड पोल्स, गेट स्टार्टेड। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ पे साइन इन कर लो डायरेक्टली। जी हाँ दोस्तों, साइन इन करने से आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में लॉग इन हो सकते हैं, तो साइन इन कर लो। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पहले से, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। आपके पास नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना दीजिए आप, या गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन आएगा। ये यहाँ पे भी क्रिएट वन करके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए, दिखाई दे रहा है आपको। फिलहाल मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट, तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी। टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा और साइन इन बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप साइन इन करते हैं, आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी, जिसमें माय फॉर्म्स लिखा है। मैंने बहुत सारे फॉर्म्स बनाए हैं मेरे क्लासेस में, मैंने जीके टेस्ट भी कंडक्ट किया था इसके ऊपर। चाहिए तो जीके टेस्ट, ये इंटरेस्टिंग जीके टेस्ट मैंने बनाया था, आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ मैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। जीके टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ ये जीके टेस्ट किस तरह से रहेगी, उसका एक ट्रायल पेपर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरा जनरल नॉलेज टेस्ट, और यहाँ पे मैंने इस तरह से दिया है आइडेंटिफाई द स्पिरिचुअल पर्सन, फेमस इंडियन यूट्यूबर। आइडेंटिफाई करना है आपको, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं आंसर्स के साथ, यहाँ पे तो आंसर दिखाई देंगे, लेकिन आप ये सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन से, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। आपको एक टाइम पास के लिए आप देख सकते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना है, और आपको तुरंत मार्क्स भी पता चलेंगे जैसे आप सबमिट करोगे लास्ट में। फिलहाल आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि हम फॉर्म सीख रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू फॉर्म और न्यू क्विज, ऐसे दो ऑप्शन है। अगर आप कोई क्वेश्चंस पेपर बनाना चाहते हैं जिसमें मार्क्स भी मिले सामने वाले को, जैसे मैंने ये जीके टेस्ट वगैरह बनाया है, तो ये क्विज ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया था। लेकिन अगर किसी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है आपको, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है आपको, तो न्यू फॉर्म में जाना है, या फिर आपको कोई रेटिंग्स वगैरह लेना है तो भी आप न्यू फॉर्म में क्लिक करके ले सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू फॉर्म पर क्लिक कीजिए। न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद पहले फॉर्म को टाइटल देना होगा। चलिए फॉर्म को टाइटल देने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। फॉर्म यहाँ पे एक ट्रायल फॉर्म बना रहा हूँ मैं, और ट्रायल फॉर्म के लिए मैं यहाँ पे फिल योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल का बनाते हैं। चलो फिल योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कलेक्ट करनी मुझे यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख सकता हूँ प्लीज़ एंटर योर फुल नेम, मोबाइल नंबर, ऑल डिटेल्स आर कंपल्सरी, ऐसा कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पे लोगो वगैरह ऐड करना चाहता हूँ, तो पिक्चर का आइकॉन है, यहाँ से डायरेक्टली मैं पिक्चर ले सकता हूँ। फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, ऐड न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको, चॉइस यानी कि आप उसको चूज़ करने के लिए ऑप्शन दोगे, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप कौन सा चूज़ करोगे। जैसे जेंडर आपको देना है, मेल और फीमेल, तो आप चॉइस ये ले सकते हैं। टेक्स्ट ले सकते हैं नाम वगैरह एंटर करने के लिए, रेटिंग ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं, और कुछ ऑप्शन रैंकिंग लिकेट यहाँ पे भी है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और सेक्शन भी आप बदल सकते हैं दोस्तों, जैसे गूगल फॉर्म में जनरली करते हैं। गूगल फॉर्म में ये सारी चीज़ें रहती है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग है कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का थोड़ा सा लुक अलग है, और कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगी इसमें जो गूगल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है जो इसमें गूगल फॉर्म में है लेकिन इसमें नहीं है, डिपेंड ऑन, देखते हैं। अभी सबसे पहले मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, मैं यहाँ पे लेता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ओके,
तो इस तरह से मैंने लिख दिया एंट्री योर नेम, एंट्री योर फुल नेम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया है इमेज के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर कैसे कलेक्ट करना है, शॉर्ट है तो ये रहने दो नाम के लिए। अगर कोई पैराग्राफ, कोई फीडबैक वगैरह लेना है, बहुत सारा बड़ा टेक्स्ट वहाँ पे हो सकता है, तो आप लॉन्ग आंसर ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर जो यूज़र है ज़्यादा वर्ड्स वहाँ पे टाइप कर सकता है, फिलहाल मैंने शॉर्ट लिया है नाम लेना है तो। और ये फील्ड को कंपलसरी करना है मुझे, यानी कि यूज़र ने नाम डालने के बाद ही सबमिट होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है उसने नाम स्किप भी किया तो भी सबमिट हो जाएगा, नहीं मुझे कंपलसरी करना है। तो जैसे ये नाम नहीं डालेगा, अगर ये ब्लैंक छोड़ देता है ये फील्ड वो फॉर्म भरते वक्त, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे बताएगा कि वन फील्ड इज़ एम्प्टी, तो एंटर योर नेम ऐसा करके वहाँ पे फील्ड आएगा ऊपर दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है, सब टाइटल वगैरह इसको असाइन करना है, और कुछ रेस्ट्रिक्शन असाइन करने इसके अंदर तो भी कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन पे क्लिक कीजिए, जैसे ये खाली नंबर ही होना चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, नंबर में ग्रेटर दैन नंबर होना चाहिए या लेस दैन, इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नहीं चाहिए रेस्ट्रिक्शन तो दोबारा ये अनचेक कीजिए, हट जाएगा। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते हैं, जैसे चॉइस का यहाँ पे लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में, एंड सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट योर जेंडर, सो यू कैन टाइप लाइक दिस, है ना, यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ले लो मेल, ओ आई एम सॉरी मेल, यहाँ पे फीमेल, और यहाँ पे ऐड करना है मुझे, ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा, और ट्रांसजेंडर और प्रीफर नॉट टू से वगैरह ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया, दिखाई दे रहा है ये चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इस फॉर्म का मैं प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से फॉर्म आ रहा है, फिल योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंटर योर नेम और एंटर योर जेंडर। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नाम सपोज टाइप करता हूँ सतीश, और जेंडर सेलेक्ट करता हूँ मेल, और मैं सबमिट करता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिया है, आप वो भी चीज़ें ले सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, यहाँ पे आएगा थैंक्स योर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड। ये मैसेज भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, योर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और सबमिट अनदर रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो चलिए ये तो प्रीव्यू था, मैं बैक कर लेता हूँ इसे, और बैक करने के बाद रिस्पॉन्सेस में हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रिस्पॉन्स सबमिट किया है, तो रिस्पॉन्सेस में क्लिक कीजिए, वन रिस्पॉन्सेस, इस रिस्पॉन्सेस को यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है क्या नाम है उसका और कैसे कौन सा जेंडर सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन आप एक्सेल में देखना चाहते हो तो ओपन इन एक्सेल फाइल पे क्लिक कीजिए। ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें वो रिस्पॉन्स आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है, और आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स कौन से टाइमिंग में, स्टार्ट टाइमिंग, कंप्लीट कितने टाइम में हुआ है, और ईमेल आईडी वगैरह तो हमने कलेक्ट नहीं किया था उसका, एंट्री योर नेम और सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा एक्सेल फाइल के अंदर। फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि रिस्पॉन्सेस में रिस्पॉन्स आता है, क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे क्रिएट करने रहते हैं। ऐड न्यू में जाकर आप रेटिंग्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, रेटिंग्स में इस तरह से आता है, 5 स्टार देना चाहते हैं, इमेज भी दे सकते हैं रेटिंग के लिए, किसका इमेज देना, इस पर्टिकुलर पर्सन का इमेज दे के आप रेटिंग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने मेरे स्टाफ मेंबर का रेटिंग लिया था कि आप कितने, कौन से टीचर्स को कितना पॉइंट देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फॉर्म प्रीव्यू में। यहाँ पे आप NRIT टीचर्स को कितने पॉइंट्स दोगे, ये मैंने लिया था, आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट का रिस्पॉन्स भी आ गए है 283, और यहाँ पे टीचर्स के फोटोज़ और मैंने नीचे रखे थे स्टार्स, इस तरह से मैंने ये फॉर्म बनाया था। तो फोटो जो है और नीचे ये फाइनली NRIT क्लास के लिए आप कितने पॉइंट्स देंगे, और एनी सजेशन फॉर अस, ये एक मैंने फॉर्म क्रिएट किया था। और ये फॉर्म क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सेंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मुझे लिंक मिलती है, ये लिंक मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। या इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप QR कोड डाउनलोड करके रख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे ना तो इस फॉर्म का QR कोड आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये QR कोड है, ये अगर आप स्कैन करते हो आपके मोबाइल के ऊपर तो डायरेक्टली, मतलब मोबाइल पे आपके पास QR स्कैनर है तो स्कैन करते हो तो डायरेक्टली स्कैन होके आपके मोबाइल में ये फॉर्म दिखाई देता है, और जहाँ से आप फिल कर सकते हो। तो मेरे स्टूडेंट ने ऐसा ही किया, डायरेक्टली QR कोड स्कैन किया अपने मोबाइल पे, फॉर्म फिलअप किया और सबमिट किया अपने अपने आंसर्स, तो इसलिए मैंने ये QR कोड बनाया था। वैसे QR कोड कैसे बनाना रहता है अलग अलग चीज़ों के लिए, इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है चैनल पे, वो भी आप देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो। QR कोड कैसे जनरेट होता है, किसी भी लिंक का आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं, तो वो देख लेना वीडियो ज़रूर। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया था, उसके रिस्पॉन्सेस आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं, किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बनाई हैं इस फॉर्म के अंदर, जो कि यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं आपके ऑफिस के लिए, आपके क्लासेस के लिए, आपका जो भी काम है उसे ऑनलाइन करना है तो आप ये फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। हियर इट इज़ अ न्यू क्विज़,
तो इस ऑप्शन में जाकर आप क्वीज़ भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको टाइटल देना है कौन सी क्वीज़ है आपकी, जीके टेस्ट है या वॉट एवर जीके टेस्ट वन है करके। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, कितने क्वेश्चन है, कितना मार्क्स है, क्या सब डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कितना टाइम है वो सब। ऐड न्यू पे क्लिक करके जीके टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से चॉइस पे क्लिक किया। चॉइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो लिया, जो भी मुझे ऐड करना है इमेज डायरेक्टली यहाँ पे ऐड किया, और वो इमेज के साथ यहाँ पे ऑप्शंस, तो यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई द पर्सन शोन इन इमेज, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो कौन दिख है उसका नाम यहाँ पे लिख दो। ऐसा मैंने जीके टेस्ट यहाँ पे लिया था, और यहाँ पे पॉइंट्स दे दे, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड पे चेक किया, आप यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन के लिए 2-3 आंसर करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए मल्टीपल आंसर्स भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है मल्टीपल आंसर्स वाला लेना है नहीं लेना है। फिलहाल मैंने तो किया था यहाँ पे इस तरह से, और ये रिक्वायर्ड कर दिया था मैंने कंपल्सरी हर एक के लिए। और उसके बाद अगर आपको और चीज़ें ऐड करनी, और क्वेश्चन, तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर्म्स प्रीव्यू में दिखाता हूँ। एनआरआईटी जीके टेस्ट वाला ये रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले फॉर्म में बनाया एंट्री योर नेम, एंट्री योर मोबाइल नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेक्शन ऐड कर दिया। सेक्शन ऐड करने के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू ऑप्शन आता है, तो ऐड न्यू में यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन आता है, तो नया सेक्शन यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको पहले सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन अलग चाहिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऐसे, तो आप यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे पहले सेक्शन में आपको इतना ही दिखाई देगा, एंट्री योर नेम एंड एंट्री योर मोबाइल नंबर। जैसे आप यहाँ पे नाम टाइप करोगे, जैसे सतीश, और यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं टाइप करता हूँ अभी कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ जैसे मोबाइल नंबर वगैरह, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा इस तरह से। तो आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने रहते हैं, यहाँ पे दिया है देखो नीचे ऑप्शंस रहेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जीके टेस्ट है, आप एक बार ट्राई कीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आपके लिए। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के अंदर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फोटोज़ ऐड किया है, यहाँ पे जैसे मैं डिलीट करूँगा तो यहाँ पे सपोज़ मैंने फ़ोटो रिमूव कर दिया, यहाँ पे आइकॉन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने ये फ़ोटो ऐड कर दिया था, क्लिक किया इमेज पे क्लिक किया, और उसके बाद अपलोड बटन पे यहाँ पे क्लिक किया। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे एक्सेल टिप्स का ये देता हूँ मैं अभी एग्जांपल के तौर पे, इस तरह से ये ऐड हो गया। सो आइडेंटिफाई दिस रिचुअल पर्सन, नहीं आएगा क्वेश्चन ये, आइडेंटिफाई दिस पर्सन, आइडेंटिफाई दिस पर्सनैलिटी ये लिख देता हूँ, चलो आप मुझे आइडेंटिफाई कर लो, और आइडेंटिफाई दिस पर्सनैलिटी करके और मेरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। और जैसे मैंने यहाँ पे मैंने मेरा नाम ऐड कर दिया, अभी ये करेक्ट है मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको करेक्ट आंसर चेक करूँगा, और इसको पॉइंट यहाँ पे दे दूँगा, पॉइंट ऑलरेडी दिए है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऐसा चेक कर देना है। और उसके लिए कमेंट भी आप लिख सकते हैं, कुछ कमेंट लिखना है जैसे यहाँ पे, तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं कि भाई ये आंसर करेक्ट क्यों है, ये कमेंट आप ऐड कर सकते हैं, नहीं करना है तो टिक कीजिए हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे आंसर करेक्ट करना है, कितने पॉइंट्स देने हैं, किस तरह से रिक्वायर्ड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की, फोटो कैसे ऐड किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जीके टेस्ट तो मैंने बताया, साथ ही मैं आपको रिस्पॉन्स कैसे बदलना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में आप यहाँ पे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस एक्सेप्ट करने हैं या फिर जो क्वीज़ का रिजल्ट है वो दिखाना है नहीं दिखाना, आपने ये अनचेक कर दिया तो जो व्यूअर है जितने जिसने क्वीज सॉल्व किया उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके पास आ जाएगा लेकिन उसको नहीं दिखाई देगा। अगर आप उसको दिखाना चाहते तो ये चेक रखो, ताकि जैसे वो पेपर सॉल्व करे उसको मार्क्स पता चले उसके। और एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज दिया है, रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट करनी ही है आपको, अगर ये अनचेक करते हो तो सामने वाला सबमिट ही नहीं कर पाएगा, मतलब फिल करेगा पूरा फॉर्म लेकिन सबमिट ही नहीं होगा अगर आपने हटा दिया तो। रिस्पॉन्सेज आप पर्टिकुलर डेट के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 1 तारीख से 5 तारीख तक ही फॉर्म फिलअप होके एंट्री होनी चाहिए, तो 1 तारीख स्टार्ट डेट और 5 तारीख स्टार्ट डेट और एंड डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि फिर फॉर्म उतने दिन चालू रहेगा। आपको कोई पर्टिकुलर पीरियड में फॉर्म चालू रखना है, 1 तारीख से 5 तारीख तक ही एडमिशन्स इनरोल होनी चाहिए, तो आप स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन शफल कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाएंगे। ईमेल नोटिफिकेशन फॉर ईच रिस्पॉन्स में आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा कि ये रिस्पॉन्स सबमिट हुआ है, एक नया रिस्पॉन्स ऐड हो गया, ईमेल आते रहेगा, ये आपके ऊपर है, आपको रखना नहीं। कस्टमाइज थैंक यू मैसेज, मैंने यहाँ पे कस्टमाइज कर लिया थैंक यू मैसेज, यहाँ पे आप खुद कुछ भी मैसेज टाइप करके यहाँ पे हिंदी में रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है कस्टमाइज मैसेज वगैरह। इस फॉर्म में ये सेटिंग्स हमने देखी, सेंड ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था कि लिंक शेयर कर सकते हैं आप इस फॉर्म का,
QR कोड भी ले सकते हैं, साथ ही में यहाँ पे दिया है ब्राउजर के अंदर अगर कोई वेबसाइट है आपकी वेबसाइट के अंदर अगर ऐड करना है इसे, तो ये जो फॉर्म है ये डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे लिंक हो सकता है, वेबसाइट में दिखाई देगा ये अगर कोड आप डालते हो कॉपी पेस्ट करके, और किसी को ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं सेंड ऑप्शन में। साथ ही में आप यहाँ पे थीम भी बदल सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है आप देख सकते हैं, थीम चेंज हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ थीम यहाँ पे अलग अलग आ रही है। अब जो थीम में माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म देखना चाहते हैं उस थीम में वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म तुरंत दिखाई देगा आपको पीछे, और ये तुरंत सेव होता है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रीव्यू आप देख सकते हैं हमेशा, सेंड ऑप्शन बताया मैंने, यहाँ पे सेटिंग्स भी बताई मैंने। सो दोस्तों कैसे लगा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का ये लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह अपने ऑलरेडी लाइक बटन पे तो क्लिक किया ही होगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या गूगल फॉर्म, मतलब वैसे कंपेयर में तो दोनों भी अच्छे हैं, मैं तो भाई दोनों का यूज़ करता हूँ, लेकिन आप कौन से फॉर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आप नीचे कि आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म यूज़ करना चाहेंगे या गूगल का फॉर्म, मैं आपकी राय जानने के लिए एक्साइटेड हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, बने रहिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी के साथ, लेके आऊँगा और कुछ कंप्लीट टेक्नोलॉजी पर वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।